सभी प्रकार की पति पत्नी की समस्या या वैवाहिक जीवन की समस्या, इनके बारे में और उनका उपचार क्या है उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस YouTube में पब्लिश किए हुए हैं। वैसे हमारे हॉस्पिटल में चिंता रोग, निराशा, ओवरथिंकिंग, बार बार विचार आना, नींद न आना, हेडेक, मैनिया, पूरा पागलपन, फोबिया, पैनिक अटैक, सभी तरह की लैंगिक समस्याएं, शराब की लत, मंदबुद्धि, बुढ़ापे की समस्याएं जिसमें स्मृतिभ्रंश होता है, ऐसी समस्या है, ऐसे काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में हमारे यहाँ इलाज होता है। मगर लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए इलाज है, और फिर वो बाबा महाराज साधु के पास में जाते हैं, भूत पलित निकालना ऐसा बोलते हैं, बाहर का करते हैं, सभी प्रकार की मानसिक बीमारियाँ इलाज हो सकता है। अभी तो ऐसा है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी 100 में से 15 लोगों को है, 100 में से 15 लोगों को, लैंगिक समस्याएं 100 में से 15 लोगों को है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको है, मगर मानसिक बीमारी है या लैंगिक समस्या है या शराब की लत है, इसके लिए डॉक्टर के पास में जाने में लोग कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं अपना नाम खराब हो जाएगा, शर्म आती है, और फिर उसमें वो इलाज लेते नहीं हैं। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। हम इसका इलाज हिप्नोटिज्म के माध्यम से करते हैं, सम्मोहन उपचार, हिप्नोटाइज करना। अब इस तरह का मैंने हिप्नोटाइज किसी को किया और उसको जो भी बोला मैंने उसका स्वीकार किया जाता है, उसका पूरा स्वीकार होता है, जैसा फिर उसमें सरदर्द निकल जाएगा, नींद आ जाएंगी, सभी प्रकार की मानसिक बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो हिप्नोथेरेपी हम करते हैं जिससे मन शांत होना, खुशियों का जो रसायन है वो ज़्यादा उसका स्त्राव होना, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग ये कम हो जाना, ऐसे पूरे इलाज हिप्नोटिज्म से होते हैं। वैसे हम साइकोथेरेपी करते हैं और साइको मानसोपचार जिसमें भी काउंसिलिंग करके लोग अच्छे हो जाते हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, CBT। दवाइयाँ तो सभी प्रकार की हमारे पास में है, एलोपैथी की है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है। एलोपैथी की दवाइयाँ इतनी अच्छी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा वायलेंट और आक्रामक पेशेंट यदि होगा तो एक इंजेक्शन दिया तो वो शांत हो जाता है। काम पड़ा बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मानसिक बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं। एवर्शन थेरेपी हमारे पास में है, डॉपलर टेस्ट, यदि लैंगिक समस्या है तो उसके लिए डॉपलर टेस्ट है, RTMS करके एक नई थेरेपी आई हुई है, उसका भी इलाज हमारे पास में है। पेशेंट के साथ में यदि रिलेटिव रहने को तैयार है तो उनको हम केड़ेकर हॉस्पिटल में रखते हैं, यदि पेशेंट के साथ में रिलेटिव रहने को तैयार नहीं तो हमारा रिहैब सेंटर है, वहाँ रखते हैं। तो ये हमारा केड़ेकर हॉस्पिटल का सेंटर है, ये रिहैब सेंटर है। हमारे नागपुर में भी हॉस्पिटल है, अकोला में हमारे 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सब तरह का इलाज संभव है। तो आपने इसका इलाज यदि आपको दवाई से चाहिए तो दवाई से कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी से चाहिए तो हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, मिक्स चाहिए तो मिक्स, मगर आप उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए, उपचार हर किसी का होना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, हिप्नोटिज्म के बारे में जानना है, सेक्स समस्याओं के बारे में, उपचार के बारे में जानना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर जरूर क्लिक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आप सलाह ले सकते हैं। बाहर का मत करो, भूत पलित कुछ भी नहीं है, ये सब मानसिक समस्या है और ये केमिकल लोचा दिमाग में होने से होता है, केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। सबका इलाज यदि किया तो एक अच्छा भारत का निर्माण होगा, क्योंकि हमारे देश में यदि 15% लोग बीमारी से ग्रस्त है और वो काम नहीं कर सकते हैं तो हमारी कितनी मैन पावर वेस्ट जा रही है, कल्पना करो। इनको हम ठीक करने का बीड़ा उठाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो ताकि लोग संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। हमारा मकसद है कि लोगों को एनेबल एम्पावर करना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।